बच्चे काम गए भाग गए बस रह गए ऐसे नौ जी बेटा कौन बता रहा था एप्लीकेशन किसी एक ने बताया था उसने सही बताया है बेसिकली एग्रीगेशन क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है कि जो भी एक कंपोनेंट है जो क्रिएट हुआ हुआ है उसके ऊपर हम देखते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ठीक है उसकी कंपोजिशन क्या है जो हमने एक फुल सिस्टम क्रिएट किया है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं क्या एलिमेंट्स हैं उसके अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं एग्रीगेशन कहते हैं ठीक है यहाँ पे आप इसे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड है तो वो किससे बना है कि एक पेशेंट है एंड देन उसका कंसल्टेशन है वो किस तरह से उसने कंसल्ट किया ठीक है तो ये इन दो चीज़ों से मिलकर हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड बन रहा है ठीक है क्लियर है ये बात कि हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड जो है ये एक पार्ट है लेकिन इन दो इन चीज़ों से मिलकर बना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल है वो एक पेशेंट है एंड देन उसका कंसल्टेशन है उसका तब हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं ठीक है तो ये इसका डेफिनेशन है कि हमारे पास एग्रीगेशन क्या है हमारे पास एग्रीगेशन ये है कि हमारे पास जो एक कंपोनेंट क्रिएट हुआ है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर क्रिएट किया गया है वो डिफाइन किया जाता है ठीक है बिहेवियरल मॉडल बिहेवियरल मॉडल हमारे पास क्या मॉडल होता है स्टूडेंट्स किसी को पता है इसके नाम से शो हो रहा है बिहेवियरल मॉडल में बेसिकली हम लोग जो है अपने सिस्टम का बिहेवियर शो करते हैं उसकी एक्टिविटी को शो करते हैं हम लोग उसकी डायनेमिक को शो करते हैं कि उसमें किस तरह से वो वर्कआउट कर रहा है उसमें क्या इनपुट हमने इनपुट क्या दिया एंड देन हम लोगों का उसमें क्या आउटपुट जनरेट हुआ तो वो हमारे पास एक तरह से डायनेमिक को कह सकते हैं हम लोग की डायनेमिकली हमारे पास बिहेवियर शो करता है उसकी एक्टिविटीज को शो करते हैं किस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बिहेवियर मॉडल कहलाता है इसमें डेटा हमारे पास है एंड देन इवेंट डेटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डेटा है किस तरह से वो प्रोसेस हो रहा है और इवेंट हमारे पास एक आसान लफ्जों में बात की जाए तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की बात की जा रही है ठीक है कि हमने डेटा के ऊपर अपना वर्क किया फॉर एग्जाम्पल के इवेंट हमारे पास एक तरह से यहाँ पे आसान वर्ड्स में बात की जाए तो ये बात की जा रही है कि इवेंट फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट जनरेट किया वो हमारे पास एक इवेंट हो गया कि हमने इनपुट जनरेट किया देन उसके आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है उसकी क्या प्रोसेस हो रहा है वो हमारे पास इवेंट है ठीक है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना डेटा ड्रिवन मॉडलिंग ये क्या होता है कि हमारे पास उसी के टाइप है ठीक है मेनी बिजनेस सिस्टम और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम दैट आर प्राइमरी ड्राइवन बाय डेटा यानी कि हम लोग जो है डेटा ड्रिवन में हम लोग क्या करते हैं कि डेटा से हम लोग अपने मॉडल्स को क्रिएट करते हैं ठीक है दे आर कंट्रोल्ड बाय द डेटा इनपुट टू द सिस्टम विद रिलेटिवली लिटिल एक्सटर्नल इवेंट प्रोसेसिंग यानी कि हम लोग इसमें डेटा को इनपुट लेते हैं आपने इसमें नाम से शो हो रहा है जैसे डेटा ड्रिवन है यानी कि हम लोग इसमें डेटा पे काम कर रहे हैं कि डेटा का हमने इनपुट लिया है देन हम उस डेटा से आउटपुट जनरेट कर रहे हैं ठीक है तो बेसिकली हमारे पास जो बिजनेस मॉडल है वो मोस्टली इसी पे काम करते हैं कि हम डेटा ड्रिवन मॉडल पे कि हम लोगों ने क्या इनपुट लेना है उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग होगी उसका क्या आउटपुट जनरेट होगा और तो वो डेटा के ऊपर काम कर रहा होता है इसलिए ये हमारे पास डेटा ड्रिवन मॉडल कहलाता है ठीक है तो ये बेसिकली क्या करता है कि एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट पे बेस पे काम कर रहा होता है कि हम लोग ये तब यूजफुल होगा जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन द सेंस ऑफ दिस कि हम लोग रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है अपने मॉडल से हम लोग उस मॉडल में से क्या आउटपुट जनरेट करवाना चाह रहे हैं उसका क्या आउटपुट जनरेट होगा तो ये उस सेंस में बात कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट की एनालिसिस के एक यूजर उसके ये रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो मॉडल है वो ऐसे काम करना चाहिए तो उसका ये आउटपुट जनरेट होना चाहिए तो ये उस पर बात की जा रही है ठीक है इसकी एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है इंसुलिन पंप की आप देख सकते हैं इसके ऊपर डेटा पे काम कैसे करें कि हमने एक पेशेंट का शुगर लेवल लिया जो हम लोग ऑलरेडी एक पहले एग्जाम्पल ये वाली देख चुके हैं लेकिन इसके ऊपर किस तरह से वर्क कर रहा है वो हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह से डेटा ड्रिवन पे ये परफॉर्म कर रहा है ठीक है तो इसमें क्या कहते हैं कि हम लोग एक पेशेंट है उसका हम लोग डेटा ले रहे हैं हमें एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं जो हमें आउटपुट जनरेट क्या कर रहे हैं कि हमने क्या शुगर लेवल है पेशेंट की एंड देन हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको कितना डोज देना है कितनी इंसुलिन देनी है ठीक है तो ये उसके ऊपर बात कर रहा है कि डेटे के ऊपर काम कर रहे हैं क्लियर है ये बात कि हमने डेटा लिया
पेशेंट का ब्लड लिया, ब्लड से हमने उसकी शुगर ली, शुगर टेस्ट किया, देन हमें पता चल गया कि एक हमारे पास एक डेटा आ गया, एक इवेंट जनरेट हो गया है कि हमने पहला स्टेप क्या किया, पेशेंट से ब्लड ले लिया, ये हमारे पास एक इवेंट जनरेट हो गया। जो हमने ब्लड लिया वो हमारे पास डेटा है, डेटा पे हमने देखा कि उसको कितना शुगर लेवल आया, तो ये हमारे पास सेकेंड इवेंट जनरेट हो गया। जो हमारे पास शुगर लेवल आया तो उसकी बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी एक थर्ड डेटा अप्लाई कर रहे हैं उस पर कि हम लोगों ने कितनी इंसुलिन की डोज देनी है, वो हमने उसको इन आउटपुट में के तौर पे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड है स्टेप बाय स्टेप होने का, जिसमें हम लोग डेटा पे काम कर रहे हैं, इवेंट जनरेट हो रहे हैं, एंड देन हमारे पास उस पर एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग है हमारे पास। ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यूज किया हुआ है। कौन सी ये वाली हमारे पास एग्जांपल है, सीक्वेंस मॉडल की। ठीक है, कि हम लोगों ने सीक्वेंशली इसको अप्लाई किया है। सीक्वेंशली किस तरह से ये अप्लाई हो रहा है कि हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्डर है, जैसे पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ भी KFC ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये उसकी तरह से एक ऑर्डर आप कर रहे हो। ठीक है, आपने अपना डेट ऑर्डर किया, अब उसके बाद वैलिडेट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, वैलिडेशन ओके हुआ, आपने अपना बजट डिसाइड किया कि कितना बजट है मेरा, उसमें ये ऑर्डर हो सकता है या नहीं, तो एंड देन उसके बेस पे आपने अपना जो डेट जो भी आपका वो था ऑर्डर था, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया या स्टोर कर दिया, एंड देन सप्लायर ने क्या किया कि आपका जो डेटा जो भी आपका ऑर्डर था वो आपको आपके तक पहुंचा के। तो ये इस तरह से काम कर रहा है कि आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं एंड उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपकी वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को शो किया जा रहा है। ठीक है, कि ये सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू हम लोग इस तरह से क्रिएट करते हैं। इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग, अगेन इसकी डेफिनेशन आगे हम लोग इसको डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल फॉर एग्जांपल है कि हम लोगों के पास लैंडलाइन फोन है, लैंडलाइन फोन, तो उसके ऊपर रिंग बेल होगी, तो ही आपकी रिंग बेल हुई है तो आप ऑब्वियसली बात है कि कॉल अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है इवेंट ड्रिवन की, कि एक इवेंट जनरेट हुआ। इवेंट कैसे जनरेट हुआ, फोन के रिंग करने पर। ठीक है, ये फोन ने रिंग किया, एक इवेंट जनरेट हुआ, तो दूसरा आपने उसके ऊपर परफॉर्मेंस क्या कर दी, आपने उसकी कॉल अटेंड कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इवेंट ड्रिवन, ये जिसमें एक इवेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग शो हाउ अ सिस्टम रिस्पॉन्ड, यानी ऑब्वियसली बात है कि आपका इवेंट ड्रिवन में एक सिस्टम रिस्पॉन्ड करे टू एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर आप एक एग्जांपल अभी जैसे ही है हमारे पास लैंडलाइन फोन की, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम है उसने रिस्पॉन्ड ही किया है। अगर आपका फेस सिस्टम वो है फोन है उसने रिंग किया, तो एज अ यूजर आप कह सकते हो, एज अ पर्सन आप बैरियर कह सकते हो, अगर आपका फोन बचा है तो आपने कॉल अटेंड कर ली। ठीक है, तो ये बेस करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अ सिस्टम हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, यानी कि इसमें ऑब्वियसली बात है ये स्टेट के ऊपर बात कर रहा है, स्टेट यानी कि इवेंट जनरेट करने की बात कर रहे हैं, कि हम लोग इसको इवेंट की बेस पे काम करते हैं कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट इसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके आगे एक एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास स्टेट मशीन मॉडल है, कि हम लोग एक स्टेट मशीन मॉडल के इधर जो है किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके हम लोग डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टेट डायग्राम है। स्टेट डायग्राम आप लोगों ने ऑलरेडी पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल कि किस तरह से वर्क करती है, तो आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन समझने में आसानी हो जाएगी इसको अंडरस्टैंड करने में। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोवेव ओवन की बात की जा रही है, आपने माइक्रोवेव ओवन सबके घरों में होता है, सबने यूज भी किया है। ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है वो चीज़ बात की जा रही है, कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने माइक्रोवेव में खाना बनाना है, तो क्या कोई भी चीज़ खाने वगैरह में बनानी है, तो उसके ऊपर काम करें कि इसमें किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ हम लोग मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि डिस्प्ले और टाइम का, इनिशियली हम लोगों ने कह दिया कि हम वेट कर रहे हैं कि हमने फुल पावर रखनी है या हमने हाफ पावर रखनी है। ठीक है, हम पावर के बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। अगर हमने फुल पावर रखनी है तो हमने सेट टाइम कर दिया। ठीक है, अगर हाफ पावर रखनी है इसके ऊपर हमने टाइमर आप सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने टाइमर सेट किया, आपको ये बात मालूम है कि जब हम टाइमर सेट करेंगे तो हमारे पास डोर ओपन और क्लोज होने की बात हो रही है। ठीक है, कि हमने डोर क्लोज है तो हमने क्या किया, इनेबल कर दिया। इनेबल यानी कि अब वो रेडी हो रहा है काम के लिए। अगर ओपन है तो ऑब्वियसली बात है डिसेबल है, ये बात हम सबको मालूम है कि ओवन का अगर डोर ओपन हो तो वो अब वर्क नहीं करता जब तक हम उसे क्लोज ना करें। ठीक है, क्लोज करते हैं तो फिर वो स्टार्ट होगा हमारा अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना, कि हमने उस परफॉर्म उसका ऑपरेशन क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑपरेशन हो गया एंड देन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अगर हमने कैंसिल करना है तो हमारे पास वेटिंग आ जाएगा डिस्प्ले टाइम। ठीक है,
और अगर हम लोग नॉर्मली इसका ऑपरेशन परफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन यहाँ से आ रही है, हमने जब हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ओवन में तो हमने डॉट को ओपन किया तो वो अगेन डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा यानी कि ऑब्वियस बात है कि जब हम लोग डॉट ओपन कर देंगे, हमने अपना स्टार्ट कर दिया देन हमारे पास रेडी होने लग गया काम जो भी हमने उसमें कुक वगैरह करना है, देन अगर हमने उसको कैंसिल करना है तो वो वेटिंग में चला जाएगा, अदरवाइज अगर हमने डोर ओपन कर दिया तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि वो कहेगा कि अगेन अपना डोर ओपन क्लोज करें ताकि हम लोग इसका प्रोसेस को कम्प्लीट करें, हमारा जो भी ऑपरेशन हम उसको परफॉर्म करें। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं अपने ऑपरेशन को अपने स्टेट डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, किस तरह से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आप देखें इसको हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में शो किया हुआ है कि इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, वेटिंग में वो क्या कह रहा है कि वो वेटिंग कर रहा है इनपुट की। ठीक है, हमारे पास एक स्टेट आ गई है, हम लोग इसमें जो ये चीजें हमारे पास ये हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो एरो शो कर रहा है ये एरो जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूव करना कह रहा है कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट जनरेट हो रहा है, इस इवेंट के बाद ये इवेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे ये इवेंट जनरेट होगा, अगर ये इवेंट जनरेट हो रहा है तो हम यहाँ जाएंगे, अगर ये इवेंट जनरेट हो रहा है तो यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इवेंट है इसकी मूवमेंट है एंड देन हमारे पास ये जो ये सर्कल बने हुए हैं ये बॉक्सेस बने हैं ये हमारे पास क्या हम बेसिकली हमारे पास ये है एक स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर वेटिंग स्टेट आ रहा है तो उसमें वो क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ओवन इज वेटिंग फॉर इनपुट, ऑब्वियस बात है वेट कर रहा है वो इनपुट क्या है, ये ओवन वेट कर रहा है एंड देन वो क्या कह रहा है कि करंट टाइम के ऊपर वेट कर रहा है। ठीक है, एंड देन क्या कह रहा है, हम लोगों ने दो पावर्स यहाँ पे दे रहे हैं, हाफ पावर दे रहे हैं या फुल पावर दे रहे हैं, ये देखें या फुल है या हाफ है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, द यूजर हैज प्रेस द फुल पावर बटन, या फिर वो क्या कर रहा है कि द यूजर हैज प्रेस वन ऑफ द टाइमर बटन, यानी कि वो ज्यादा फुल पावर करेगा या टाइमर बटन करेगा, तो उसमें से उसने टाइमर बटन प्रेस कर दिया कि कितना टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, फुल पावर कह लो या हाफ पावर कह लो, तो यहाँ मैं ज्यादा नीचे चली गई सॉरी, हाफ पावर कह लो या फुल पावर कह लो। ठीक है, तो हाफ पावर में वो क्या कह रहा है कि 300 वाट्स है, इस तरह से उन्होंने इसके एक डिस्क्रिप्शन दिया उसके ऊपर ये पावर सेट कर रहा है। ठीक है, देन सेट टाइम, सेट टाइम में वो क्या कह रहा है कि सेट टाइम में वो अपना टाइम सेट करे कि कितना इनपुट के ऊपर टाइम लगेगा, अपना जो भी उसने कुक करना है उसका कुकिंग टाइम क्या है उस टाइम को वो सेट कर रहा है। इस पावर्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पावर के बाद जब उसने कह दिया तो वो सेट टाइम कर रहा है, टाइमर अपना लगा रहे। आगे हम देखते हैं, ठीक है, डिसेबल और इनेबल, डिसेबल और इनेबल मैं वहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर चुकी थी कि इनेबल हमारे डिसेबल क्या है कि अगर हमारे पास डोर ओपन है और अगर इनेबल क्या हो रहा है जब हमारे पास उसका ओवन का डोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों आ रहे हो, ठीक है, एंड देन आपके पास ऑपरेशन की बात की जा रही है, ऑपरेशन आपके पास क्या क्या, आपके पास क्या ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया, हमने सब कुछ सेट कर दिया, देन हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारे पास ऑपरेशन क्या है, कि हमने किस तरह क्या चीज़ है, जब लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, उसमें जो भी हम लोग कुक करना चाह रहे हैं वो कुकिंग हमारी उसमें हो रही है। ठीक है, अगर लाइट ऑफ हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे पास कुकिंग क्लोज हो, मतलब उसका जो ऑपरेशन है वो कम्प्लीट हो गया। तो ये चीज आपको ऑब्वियसली मालूम है कि ओवन में किस तरह से, मे भी आप लोग यूज करते हैं अपने घर में ओवन, किस तरह से हम लोग उसमें कुक करते हैं, कोई चीज गर्म भी करनी हो तब भी हम लोग मोस्टली ओवन यूज करते हैं, देन हम लोग उसमें गर्म कर लेते हैं। तो ये उसके स्टेप्स हैं कुछ, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि उसी के डिस्क्रिप्शन को मजीद बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या उसके वो हैं, स्टिमुलस कह लो या इवेंट्स कह लो। ठीक है, हाफ पावर, द यूजर हैज प्रेस्ड ऑफ द हाफ पावर बटन, यानी कि उसने एक इवेंट ये जनरेट कर लिया, हाफ पावर किया या फुल पावर किया, यूजर ने टाइमर सेट कर दिया। ठीक है, उसके न्यूमेरिक की अगर कोई फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे नंबर की फॉर्म में है तो नंबर की फॉर्म में कर दिया। ठीक है, डोर ओपन, द ओवन डोर स्विच इज नॉट क्लोज, यानी कि वो क्लोज नहीं है, अगर क्लोज है वो डोर क्लोज है तो इसमें की क्लोज है, ओपन है तो मीन ओपन है। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये वाली चीजें हमारे पास क्या है, इसकी इवेंट्स हैं ये सब। ठीक है, ये किस तरह से इवेंट जनरेट हो रहे हैं कि हमने पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, ये वाले सारे जो यूजर है वो हमारे पास किस तरह से इवेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो बात की जा रही है, क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई डिफिकल्टी कोई कुछ।
बाकी का इंशाल्लाह ताला हम लोग ये वाला फ्राइडे को पढ़ेंगे, ठीक है? बाकी लेक्चर हम लोग फ्राइडे को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? अटेंडेंस मार्क कर लो आप लोगों के में। चलो बच्चे अपनी अटेंडेंस ले लो, फिर मैं बल्कि स्क्रीनशॉट ले रही हूँ आप लोगों के नाम का, ठीक है? आप लोगों के नाम का मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ एंड देन हम लोग क्लास खत्म करें, बाकी फ्राइडे का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? फ्राइडे का क्विज होगा क्या? जी फ्राइडे का क्विज होगा क्या? ये भी हो सकता है, आप लोगों को तो मैं वैसे भी सरप्राइज लेती हूँ। मैम वो दीपक, मैम वो दीपक पहले ऑनलाइन थे, उनका नेट बंद हो गया था तो वो बोल रहे थे अटेंडेंस के लिए। दीपक चलो ठीक है, मैं बाकी लगा देती हूँ आप लोगों को, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए देन मैं आप लोगों का अटेंडेंस लगा देती हूँ, अगर किसी की रह जाए तो मुझे मैसेज कर देगा, ठीक है? इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को मिलते हैं हम लोग, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास पर।